जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी खबर है कि ये जो नरेंद्र सिंह नेगी जी के जो गाने हैं ताचुम्बा ताचुम्बा, तो इसको का आप रिमिक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसा है आपका प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है कुछ? हाई प्रॉपर्टी है जी फोक धुन, ये क्या बोलते हैं इलेक्ट्रो सूफी नाम से, अच्छा उसके लिए कर रहा हूँ, फोक संगीत कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट का कर रहा हूँ, उत्तराखंड का भी कर रहा हूँ, उत्तराखंड के एक दो गाने करूंगा मेरे साथ। अच्छा उत्तराखंड के कौन कौन से गाने होंगे, किस किस के होंगे ये गाने? एक तो ताचुमा है जो हम लोग अभी क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद म्यूजिक लेवल से अप्रूवल लेंगे उस पर। अच्छा 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 तो नेगी जी से परमिशन मिल गई है? हाँ नेगी जी से बात कर चुका हूँ मैं इस बारे में, पहले कर दी थी मैंने बात इस बारे में। अच्छा 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 जुबिन भाई इसमें क्या खास होगा, मतलब आपकी इस प्रोजेक्ट में क्या खास होगा? भाई इसमें इस प्रोजेक्ट में मेनली हम लोग फोक सॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ मिक्स करेंगे। ओके जो यंगर जनरेशन है ना, जो यंगर बच्चे हैं उनको इंट्रोड्यूस करेंगे फोक में, है ना जी, थोड़ा स्टाइल के साथ करेंगे और थोड़ा सा मतलब जैसे कहते हैं ना आज भाषा में करेंगे, मतलब अच्छा अच्छा लैंग्वेज इन टर्म, मतलब जैसे म्यूजिक लैंग्वेज जो है ना, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनते हैं, इस तरह के म्यूजिक को लोग टेस्टफुली इंजॉय करते हैं। अगर पुराने फोक सॉन्ग देखे तो ऐसे बहुत सारे फोक सॉन्ग जो शायद वो कभी सुने ही नहीं और ना कभी सुनेंगे। अच्छा तो उसके लिए मैं इस प्रॉपर्टी पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें पुराने पुराने फोक जो संगीत है जी ला रहा हूँ। okay. और नए सिंगर्स के साथ और जो अभी अपकमिंग सिंगर्स हैं उनके साथ और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ एक नई साउंड के साथ उन्हीं गीतों को वापस से बनाया जाएगा, जो दो साथ ही कर रहा था बेसिकली मैंने। अच्छा जी तो आपके साथ कौन कौन रहेंगे उसमें और किसको साथ में देने? अभी अब वो लॉक करना बाकी है आर्टिस्ट, इसमें हम कौन कौन रखेंगे आर्टिस्ट ना अपने साथ। अच्छा नेहा के साथ करना चाहेंगे हम लोग, नीति के साथ करना चाहेंगे, जो टीसीरीज के आर्टिस्ट की लॉट है वो हमको मिला है, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते। अच्छा तो क्या ये ऑडियो होगा या वीडियो होगा? ये ऑडियो वीडियो दोनों होगा, ऑडियो पे वर्क करा फिर उसके बाद वीडियो शूट करेंगे। तो जब वीडियो शूट होगा तो स्वाभाविक है कि अगर उत्तराखंड के गीत होंगे तो उत्तराखंड में उसको शूट किया जाएगा। अगर उत्तराखंड में नहीं भी शूट कराएगा तो उत्तराखंडी स्टाइल की उत्तराखंडी स्टाइलिंग में शूट करा जाएगा। अच्छा तो शूटिंग कहाँ पे होगी तो बजट पे डिपेंड करता है, तो पूरी कोशिश ये रहेगी वहीं पर। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा भाई? ये अभी इस वक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई जुलाई में ट्रैक नेल करते हैं, अगस्त में शूट करें, तो सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलीजिंग।